इस साल गणतंत्र दिवस परेड में देश की ताकत तो दिखाई पड़ेगी ही, साथ ही पंजाब के होशियारपुर की कैप्टन तानिया शेरगिल का भी खास आकर्षण है। कैप्टन तानिया शेरगिल पहली महिला हैं जिन्हें सेना दिवस पर पुरुष दस्ती की कमान सौंपी गई है, और अब तानिया गणतंत्र दिवस पर भी पुरुष दल की कमान संभालेंगे। हालांकि महिला ऑफिसर पहले भी गणतंत्र दिवस परेड में मार्च पास्ट में शामिल हुई है, लेकिन चौथी पीढ़ी की सैन्य अधिकारी होने के चलते वो देश भर में चर्चा का विषय बन गई। कैप्टन तानिया के मुताबिक वो बचपन से ही अपने परिवार में सभी को सेना की वर्दी पहनते हुए देखती आई हुई हैं। यही वजह है कि उनका सपना था कि वो भी किसी दिन सेना की ये वर्दी पहने। The selection happened at our signals training center a year ago. So out of the selected officers, we were selected to lead the contingent on Army Day Parade as well as Republic Day Parade. It feels good, but then again, it doesn't matter also because we do it because it's our job. It's our duty to be truthful to the uniform we are wearing. राजपथ पर 26 जनवरी से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। इस रिहर्सल में राजपथ पर सेना के शौर्य का पराक्रम देखा। शिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ साथ T-90 टैंक की दहाड़ सुनने को मिली। इसके साथ ही वो बालवीर भी राजपथ पर दिखे जिनकी बहादुरी को दुनिया सलाम कर रही है। साठ घंटे पहले आन बान शान की झांकी, राजपथ पर T-90 की दहाड़, गणतंत्र का ट्रेलर देख उड़ी दुश्मनों की नींद। ये देश की आन बान और शान की वो झलक है जो इस बार 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर दिखेगी। आज दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल था। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। चिनूक एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसका प्रयोग 19 देशों की सेनाएं करती हैं और ये किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। इसी तरह अपाचे हेलीकॉप्टर दो पायलटों वाला हेलीकॉप्टर है जिसका निशाना बेहद सटीक है। ये है K-9 वज्र तोप, मेक इन इंडिया के तहत बनी स्वदेशी तोप है। 50 टन की ये तोप 47 किलोग्राम के गोले 43 किलोमीटर की दूरी तक दाग सकती है। हम उन वेपन्स और इक्विपमेंट को प्रदर्शित करते हैं जो भारत की सैन्य क्षमता को दर्शाता है। इसके साथ ही विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को भी नौसेना की झांकी में शामिल किया गया है। इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में 21 बैंड हिस्सा ले रहे हैं जिसमें 13 मिलिट्री बैंड है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।